तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, आज का ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे होंगे चुनाव से संबंधित, आचार संहिता कब लगेगी, चुनाव की घोषणा कब होगी। लेकिन जब राष्ट्रीय राजमार्ग पे किनारे कोई रिक्शा इस हालत में छोड़ के गया हो तो ये भी जानकारी जरूर लेना चाहिए कि इस हालत में अगर कोई गरीब आदमी, एक मजदूर रिक्शा को छोड़ के गया है तो क्या है, क्यों छोड़ के गया है। लेकिन हमने जब इस रिक्शे के पास आया, मैंने देखा तो पता चला कि ये चक्का जो है नहीं है, यानी कि दो कारण हो सकते हैं, या तो ये पंचर हो गया होगा या फिर कोई मोटरसाइकिल वाला या तो कोई धक्का मारा होगा, रिंग टेढ़ हो गया होगा। लेकिन जब ये चक्का जब निकला तो मुझे लगा यार कोई ऐसा गरीब आदमी ज़रूर इस चक्के को लेके किसी मिस्त्री के पास गया होगा बनवाने के लिए, या टेढ़ा होगा तो सीधा कराने के लिए, या पंचर होगा तो बनवाने के लिए। गरीबी क्या होती है, अभाव क्या होता है, इस रिक्शे से मैं जान सकता हूँ, क्योंकि आज ई रिक्शा के दौर में ये रिक्शा दिखाई दे रहा है। ये पैर से बड़ी ताकत लगती है चलाने में, और मैं कभी रिक्शे वाले से बात करता हूँ तो ये जानकारी मुझे ज़रूर मिलती है, एक रिक्शा वाला 100 से 150 रुपया ही कमाता है। पता चलता है अगर रिक्शा भाड़े पे है तो 40 रुपया तो रिक्शे वाला ले लेगा, अब 50-60 रुपये में वो व्यक्ति आज के महंगाई के दौर में अपना परिवार, अपना घर कैसे चलाएगा। तो दोस्तों मालूम ये है, आज में जो बढ़ते दौर में आपने देखा होगा कि ई रिक्शा के दौर में बहुत सारी संख्याएं हो गई ई रिक्शा की, और इस दौर में ई रिक्शा कम होता गया, लोग टूटते गए कि अब कौन पूछेगा। अब बहुत से ऐसे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, मजदूर हैं, जो उम्र दराज हैं, वो ई रिक्शा नहीं चला सकते, वो आज भी अपने रिक्शे पे ज़्यादा विश्वास करके चलते हैं, ताकत तो लगती है लेकिन शारीरिक जो है मजबूती मिलती है। लेकिन आज ये रिक्शा का चक्का गायब है, यानी कि वो कोई न कोई व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा होगा किसी मिस्त्री के पास गया होगा, अगर 50 रुपया कमाया होगा तो 100 रुपया जरूर चक्के का मरम्मत देगा। गरीबी अभाव क्या होती है, मैं तो यही निवेदन करूंगा, कोई गरीब आदमी कहीं भी किसी भी तरह मिले, या सड़क के किनारे मिले, या रिक्शा चलाते मिले, तो ज़रूर सम्मान देना चाहिए, उससे ऊपर से नीचे जरूर ये देखना चाहिए कि उसके पैर में चप्पल है यह या नहीं, कपड़ा कैसा पहना हुआ है, चेहरे पे मुस्कुराहट है या थकान है या खामोशी है या चिंता में डूबा हुआ है। तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करने से इंसान हर कामयाबी हासिल कर सकता है, क्योंकि ईश्वर सब देखता है कि कौन किसके अंदर दया है। तो दया आज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज मुझे वो जो रिक्शे वाले साथी मिले नहीं, मैं कुछ देर तक वेट कर रहा हूँ, कुछ न कुछ उनका सहयोग जरूर हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं देना, वेट करूँगा उनकी मदद करने के लिए। आप भी मदद करें ताकि हर व्यक्ति खुशहाल रहे। नमस्कार।